शुरू करते हैं। कितने बज गए? ये कौन मंगवाया? ये तरफ है पूरे। ठीक है, रेडी? रेडी चलो। दोनों एक और कैंडल लेंगे। हाँ, इसमें ऐसे चलो। 1 2 3 हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे बोल तो सही, हैप्पी बर्थडे। वुमेन्स मॉडरेटर, हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू। कैसी लगी आइसक्रीम? शादी की कब खिला रहे हो? सुन, अरे तुम्हारे सिवा सब बोल दिया। आपके बाद बोल रहा था। मेरे बाद शादी? अच्छा, आपके बाद? इधर गया क्या? मैं तो 22 साल का हूँ अभी। सच में? तो क्या हो गया, लीगल हो गया शादी? शादी हिस्सा अभी। लेजेंड को कौन सा वर्ड बोलने नहीं हो रहा था? अब तक शांत रहे अब नहीं, ये डायलॉग मैंने सजेस्ट करा कि अब बोल दो, बिकॉज एंड मोमेंट पर फटाफट आके बोला। तो लेजेंड, उस कास्टर ने बोला कि लेजेंड बोलेगा, तो बोलते अब तक शांत रहे अब नहीं। शांत बोल ही नहीं पा रहे, शांत रेजोल्यूशन नहीं, रेजोल्यूशन। शांत फिर पार ने बोला। हेलो एवरीवन, दिस इज मी अल्फा। आज है डायनामो का बर्थडे और मैं सोच रहा हूँ कि आज डायनामो के चैनल को हम लोग टेक ओवर कर ले और बना एक जबरदस्त ब्लॉग। पूरे के पूरे ब्लॉग में हम हाइड्रा मेंबर्स की तरफ से डायनामो को क्या गिफ्ट जाएगा, इसके ऊपर ये ब्लॉग है। तो देखते ही सभी लोग मिलके लाइक मारो। फिलहाल बूटिया में मैं, ऋषभ, दो ही जन हैं, बाकी ई स्पोर्ट्स हैं। फिलहाल बाकी सभी लोगों की समर वेकेशन एंड हो रहा है तो वो लोग आ रहे हैं, बट फिलहाल लेट्स मीट अवर ई स्पोर्ट्स। आज डायनामो भैया का बर्थडे है, क्या क्या सोचा तुम लोगों ने? ओह, भाई क्या गिफ्ट देना चाहेंगे आज लीडर साहब को? एंड्रॉइड में खेल के हाँ टॉप में रह रहा है। क्या ये सब लोग कर पाएंगे? क्या लगता है डायनामो के बर्थडे के दिन क्या करने का विचार है? मेन बेस में अच्छी रैंक लानी है बस। ये अच्छा गिफ्ट हो जाएगा ना? अच्छा, क्या बेस्ट गिफ्ट? हेलो व्हाटएवर, दिस इज द नेक्स्ट डे मॉर्निंग। अभी बजे हैं दोपहर के 12:50। अभी हुआ ये है कि डायनामो स्ट्रीम कर रहा था 11 बजे को, ठीक है। उसके बाद स्ट्रीम जैसे ही हाफ एन आवर हुआ, एक बार इंटरनेट गया और 15 मिनट हुआ, दूसरी बार इंटरनेट गया, तो डायनामो का पूरा लाइक थोड़ा सा ना मूड अप हो गया। तो इसीलिए अभी हम लोग सोच रहे हैं मैं बाहर आ जाऊँ, बिकॉज वो अंदर चिल जोन में ही बैठा है। सो टू लिफ्ट दिस मूड अप, व्हाट आई एम थिंकिंग इज कि हम लोग रोटी का चूरमा बनाएंगे, बिकॉज आई नो ही लव्स रोटी का चूरमा। ऑलरेडी एक बज चुका है, खाने का टाइम हो चुका है। अभी किचन में जाऊँगा तभी मम्मी को भी फोन करूँगा, मम्मी बता रहे जाएंगे ऐसे ऐसे बनाना है और मैं बनाऊँगा। बेसिक आती है मुझे चीज़ें, बट लेट्स सी, फटाफट पहले तो ये करते हैं। आज पूरे दिन में बहुत सारी चीज़ें प्लान्ड है, इट इज़ गोइंग टू बी अ लॉट ऑफ फन, लेट्स गो। और रानी भैया, अरे मैं ये पूछ रहा हूँ, अपने पास गुड़ है क्या? गुड़ है? गुड़ यार, गुड़ कैसे है? देखो ये ऐसी दिख रही है, ये मक्की दिख रही है। अरे साले बेचारा डायनामो प्रैक्टिस कर रहा है। अरे बर्थडे विश करने आई है। देख इंटरनेट वाला भी बर्थडे विश करने आया है तेरे को स्पेशल। इंटरनेट वाला सुबह चाय देती है, मतलब चाय वाला। हाँ भाई, सुबह से जब से वो चाय पिए ना, बोला ना आज बम फूटने वाला।
सुबह को शेफ ने एकदम दूध वाली चाय बना के दी थी, बिल्कुल भी कड़क नहीं थी। तो पीते पीते डायना बोल रहे थे कि आज पूरे दिन मेरा कुछ ना कुछ गड़बड़ होने वाला है। तो इंटरनेट चला गया, खाली एक ही आज कटा, वो भी लीडर साहब का। आज खाने में क्या बन रहा है? तो ब्लॉग के लिए हमारे शेफ थोड़े ब्लॉग का नहीं मालूम ना, मेरे को पता था क्या बन रहा है, बट मैं खाली उनके मुंह से ब्लॉग निकलवा रहा था। तो आपको तो पता था क्या बन रहा है। देखो लगना चाहिए, नहीं तो बहुत नरम होता है। हाँ, सीधा एक ही स्लाइस में निकल जाता है। चला गया अंदर, बहुत बढ़िया है थोड़ा है। हेलो लीडर साहब, मीठा है पानी? मीठा है पानी? ठीक है, ठीक है। देख व्हाट, ओ फक, मेरा स्ट्रगल देख रहे तू? नारियल पानी पीते पीते व्लॉग रिकॉर्ड कर। राइट, तो आज प्रॉब्लम ये है कि कैमरामैन भी नहीं है, कोई नहीं है, ऋषभ भी स्ट्रीम कर रहा है, डायनेमो बाहर है, यशराज बाहर है, तो मेरा व्लॉग रिकॉर्ड करने के लिए कोई नहीं है। सो आई हैव टू डू एवरीथिंग ऑन माय ओन। ठीक है, तो मैंने बाय द वे गुड नहीं था, गुड कहाँ गया? अंदर के अंदर गुड था नहीं, तो मैंने फिर गुड मंगवाया अभी जस्ट। नसीब आजकल हर एक चीज़ 14-15 मिनट में आ जाती है, तो गुड हो गया मेरा। फिर यहाँ पर है ना, मेरे पास देसी घी है, मेरा देसी घी। बेसिकली क्या, मेकिंग रोटी का चूरमा। ठीक है, सो वी हैव टू मेक अ मॉल्ड ऑफ रोटी एंड देन मिक्स करना है उनको, मिक्सर में ग्राइंड कर देना है, छोटे 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 वो बन जाएंगे, रोटी का चूरमा बन जाएगा इन शॉर्ट। फिर घी और गुड़, इन दोनों को पकाना है एक यूटेंसिल में, जैसे ही गुड़ पक जाएगा वैसे हमको रोटी डालनी है अंदर। बहुत सिंपल रेसिपी है बट बहुत टेस्टी लगती है एंड मेरे घर पे बहुत ये बनती है। सो जब तक ये मैं बना रहा हूँ तब तक मैं आप लोग को एक स्टोरी बताता हूँ कि ये डायनेमो की फेवरेट कैसे है। सो हुआ ये था कि मैं अपने घर पे गया था, मेरी मम्मी ने रोटी का चूरमा बनाया था, मैंने फोटो खींचकर इंस्टाग्राम स्टोरी पे डाला। माय इंस्टाग्राम इज @alpha_clasher बाय द वे। स्टोरी पे डाला, स्टोरी पे डायनेमो ने रिप्लाई किया, अरे ये भी मेरा फेवरेट है, मुझे बहुत अच्छा लगता है रोटी का चूरमा। तो तब से मेरे दिमाग में पता है कि वो रोटी का चूरमा खाता है। एंड ऑनेस्टली मैं बताऊँ तो मेरे घर का जो खाना है एंड डायनेमो के घर का जो खाना है बहुत ही सिमिलर है। मतलब हमारे घर पे लंच में प्रॉपर रोटी चावल दाल सब्जी सब बनता है, डायनेमो के घर पे भी सब बनता है, एंड टेस्ट फ्लेवर्स सारी चीजें एकदम सिमिलर है। तो ये भी एक फन फैक्ट है। तो मैं कुछ काम में फंस गया था इसलिए मैं लंच के टाइम पे ये चूरमा नहीं दे पाया, तो मैं उनके रूम में जा रहा हूँ देने के लिए, देखते क्या रिएक्शन है, कैसा बना है। मैंने टेस्ट करा था, बहुत अच्छा। लीडर साहब, ये मैंने स्पेशल बनाया तुम्हारे लिए। तूने बनाया? ये पसीना दिख रहे थे ना बीच में जो मैं आया था अंदर से, तभी कुछ मीठा लग रहा है। तो तुमने खाया भी है बहुत घर पे अपने? अच्छा, पहले थोड़ा खा के देखता हूं यार। अच्छा ही क्या है ये? अबे ये मीठा वो है क्या, चूरमा? रोटी का चूरमा बनाया है। हाँ, मम्मी से बात करी, घी में और गुड़ में रोटी का चूरमा बनाया। वही बोलू यार, कैसा लगा बर्थडे में? सही है। मेरे को लगा स्ट्रीम गया, मूड ऑफ है, तो मैं बना देता हूँ ऐसा कुछ। अभी बहुत सारा बनाया मैंने नीचे। घर वाला है, घर जैसा, खाली घी ज्यादा कर दिया मैंने थोड़ा। अपने यहाँ के आटे और अपने यहाँ की मम्मी के आपकी रोटी ना अलग ही होती है। हाँ, वो अलग ही होती है। ये तो 15 रोटी गरम बनाई उसके बाद कट करा। बढ़िया, चलो टाटा, सो जाओ थोड़ी देर। ऑल राइट, सो गाइस, अभी मैं जस्ट जिम करके खत्म किया हूँ एंड आई वांटेड टू बाय सम गिफ्ट फॉर हमारे लीडर जी, बट ऑनेस्टली उसके पास सब कुछ है। जो चीज़ मेरे बर्थडे पे हुई थी वो उसके बर्थडे पे हो रही है, उसके पास सब कुछ है। मेरे पास जैसे कि आईफोन, लैपटॉप, पीसी वगैरह सब कुछ है, उसके पास भी सब कुछ है। तो प्रॉब्लम ये आ रही है कि कुछ देने का समझ में नहीं आ रहा है, तो वाई नॉट कुछ फंकी चीज़ें देकर उसको मैं क्या लाया कर ऐसा कुछ करूँ। तो अभी फिलहाल वो बाई करने जा रहा हूँ मैं, लेट्स सी। इससे बड़ा साइज है दो, मेरे से थोड़ा पतला वाला इंसान है एक, तो ये हो गया। नहीं है वो, अच्छा अच्छा चीज़ है, अच्छा बेकार दो। मेरे साइज़ का कोई स्लीपर है यहाँ पर? ये दे दो एक जॉकी का एक बनियान और एक अंडरवेयर दे दीजिए, इतना बिल कर दीजिए सब कुछ। बहुत फंकी चीज़ें लेकर आ गया हूँ मैं यहाँ पर। आई डोंट नो उसका क्या रिएक्शन होना, अभी यहाँ पर ये क्या ना, वो है क्या गिफ्ट रैप शॉप है, तो मैं प्रॉपर एकदम प्रीमियम क्वालिटी में गिफ्ट रैप करा, उसको लगना चाहिए कि वो कहाँ लेकर आ गया ऐसा करके। बच्चों की टॉय शॉप पे मैं आया हूँ अभी फिलहाल, यहाँ पर इसे भी साइकिल से, मैं सोच रहा हूँ कि वो बड़ी वाली जो कार है ना, ये वाली मैं बाय करूँ डेमो के लिए।
हाँ वो आपके राइट में जो है वो कितने की, खाली वो बता दो मुझे। हाँ ये सारी चीज़ें हम लोग ने गिफ्ट रैप करवा दी है। अब वो वाली कार तो वो लिटरली बहुत महंगी कह रहे हैं, मैं पहले वो लेने की सोच रहा था लाइक 35-40,000। ये ले लेते हैं क्या, शोपीस में भी काम आएगा और प्रैंक में भी अच्छा लगेगा। ऑलराइट भाई, रात को आते आते बहुत लेट हो गया, 8:30 बज गए हैं। बस लेट्स होप डायनम बाहर ना बैठा हो, वरना दिख जाएगा सब कुछ और उसकी होप्स हाई हो जाएगी। ये कॉन्फ्रेंस रूम में रख देता हूँ। ऑल्सो अभी जस्ट प्लान बनाया है कि हम लोग सब लोग डिनर करने जाने वाले हैं, तो जब रेडी होकर आएंगे नीचे और निकलने वाले होंगे तब ये सब गिफ्ट देंगे उनको। हाँ भाई लीडर साहब, पार्टी कब दे रहे हो, GTA खेलने बैठ गए भाई, 10 बज गए भाई। अब तुम्हारा पूरा काम इसमें गया। किसमें? ये लगा, वो लगा, इन्वर्टर लगा है। अरे भाई इन्वर्टर लग के 5 बजे का इन्वर्टर लग गया। बर्थडे के दिन में ऐसा नहीं चलेगा। अभी तो जाना है, लेकिन अभी तुम डिसाइड तो करो कहाँ जाना है, क्लब जाना है या डिनर करना है, दोनों में से एक टू डिसाइड कर। अब हो गया तुम्हारे 9 बज चुके हैं, ठीक है। अभी अगर क्लब जाएंगे तो इतना कुछ मतलब है नहीं। कैसे मतलब नहीं भाई, तू क्लब भी 12 बजे चालू होता है। हाँ 10-11 बजे के आसपास वो 30 सेकंड है ना अपना। हाँ तो वहाँ जा सकते हैं, वहाँ बहुत अच्छे अच्छे प्लेसेस हैं, ओपन एरिया भी है वहाँ पे। क्लब है, क्लब काइंड ऑफ है, माहौल पूरा क्लब जैसा ही है, लेकिन पूरा बड़ा क्लब नहीं है, ठीक है। हर एक जगह पे अलग अलग चीजें वहाँ पे, तो वहाँ पे घूमेंगे, जो अच्छा लगा जो बेटर लगा वहाँ रुक जाएंगे, वहाँ म्यूजिक सब खाना वाना सब होता है। अभी फटाफट नहाता धोता हूँ, सभी लोगों से पूछता हूँ कहाँ जाने का मन है। लेट्स सी, पार्टी करेंगे, गाने वाने सुनेंगे या फिर रेस्टोरेंट में जाना है, देखता हूँ इसको से पूछो। सबसे अच्छा कहाँ जाने का मन है, क्लब या ओ, देखो दूसरा ऑप्शन तक नहीं भाई। अच्छा पहले से ही डिसाइडेड है क्या इनका? इंटर दे कहाँ जाए, बोलो। हेलो गाइस, वेलकम टू आवर न्यू व्लॉग, हमारे साथ आलो भाई और नैनो। बस कहाँ जा रहे हैं, मिल जाइए। खामोशी सहना ये नहीं जरूरी, लादा रहा पर मिलना हो न सका, पर मिलना हो न सका। खामोशी ये सिलसिला है, हम तुम यहाँ है, उलझन हवा में है ना गिर ही तो ये सारे गिफ्ट्स हैं। किसके? मैंने बहुत सोचा पूरे दिन कि क्या दूँ, फिर कुछ समझ में नहीं आया। ये गिफ्ट तुम्हें, ये देखो लग रहा है ये वो है टॉय जैसा। मैंने कान में क्या बता भाई, ये बड़ा टॉय होता है ना लगाने का, वो जैसा और लोगे मैंने सिर पे रखवा दिया। सचिन भाई का चलेगा नाइट ट्रेनिंग का, ये भी ये गाड़ी है, रिमोट कंट्रोल
ये गाड़ी है भाई लेजेंड तो दे दो एक रूम से दूसरे रूम में अभी पॉट ऑन लिस्ट है बाकी सारे ये तुम्हारे फ्यूचर प्रूफ के लिए फ्यूचर प्रूफ ये सभी रिश्वत का आइडिया चट्टा जारा का जारा का चिट्टा सबसे महंगा बर्थडे चप्पल ले तो चप्पल अभी वैसे भी शादी ऑलमोस्ट छोटा टाइम है ये पहनेगा क्या पहनता है पहले ये बनियान उसके नीचे और चट्टी ऊपर ये वाला चट्टा और ये गाड़ी खा दी और उसके बाद दूसरा चप्पल तेरा फ्यूचर देख सकता हूँ। सो लीडर साहब कैसा गया बर्थडे आज? मस्त गया, मस्त। बर्थडे गिफ्ट्स कैसे लगे? बर्थडे गिफ्ट्स से बुगाटी सबसे बेस्ट लगी मेरे को। वाह वाह, चलो गाइस, दिस वाज इट फॉर टुडेस व्लॉग। बाय द वे, ये व्लॉग तुम्हारे चैनल के लिए। अच्छा, ये मेरे चैनल के लिए था पूरा? दिस इज व्हाट वी डिड हाइड्रा मेंबर्स करके। ओह, ये आउटर लाइक कर दो, हैप्पी बर्थडे बोल दो सभी। सो गाइस, बहुत दिनों से हमारे चैनल पे ब्लॉग नहीं था और मेरा ऐसा कुछ प्लान नहीं था कि मैं इस चैनल पे ब्लॉग शूट करूंगा फिलहाल कुछ टाइम के लिए। मुझे पता भी नहीं था कि ये लोग शूट कर रहे हैं, लाइक डायनो ब्लॉग्स चैनल के लिए शूट कर रहे हैं। बट आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा एंड मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। टिल देन टेक केयर, वंस अगेन थैंक यू सो मच जितने भी लोगों ने मुझे विश किया, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, स्नैपचैट हो, बहुत लोगों ने तो मेरे को मेल वेल कर रखा हुआ है जहाँ पर भी आपने मुझे मैसेज किया होगा। एंड ऑब्वियसली बात है, मैं सबको रिप्लाई नहीं दे पाया, बट स्टिल थैंक यू सो मच, दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ही प्यार करते रहो, सपोर्ट करते रहो और अपनी टीम को हमेशा फुल बूम बाम सपोर्ट देते रहो। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड लव यू ऑल गाइस। बाय बाय, लाइक सब्सक्राइब, कमेंट सेक्शन में स्पैम कर दो हैप्पी बर्थडे। चलो बाय, 200 के लाइक्स वो चड्डा पहनेंगे। अरे भाई।